Welcome to Equity King. हेलो दोस्तों, तो आज हम आ गए हैं अपने रिलायंस के क्वार्टर टू के रिजल्ट के एनालिसिस में। ठीक है, मैं यहाँ पे रिलायंस के क्वार्टर टू के रिजल्ट के बारे में बात करूंगा एंड मैं अपना एक एनालिसिस और जो पॉइंट ऑफ व्यू जो हमें देखा मिला है, इतने सारे जो आईटी कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, एचयूएल के रिजल्ट आए हैं, तो रिलायंस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और मंडे को उसमें क्या क्या इफेक्ट आएगा, तो वो चीज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे। राइट, तो मेक श्योर अगर पूरा वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लाइक करने से यूट्यूब के एल्गोरिथम में हमें हेल्प करेगी, तो इतना सपोर्ट आप हमें कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद रिलायंस क्वार्टर टू रिजल्ट। रिलायंस के क्वार्टर टू रिजल्ट जो आए हैं, उससे पहले मैं थोड़े से कुछ बैक जाना चाहूंगा जहां पे हमने टीसीएस आईटी के रिजल्ट्स देखने मिले थे। स्पेशली टीसीएस की रिजल्ट आने से पहले क्या किया गया, उनको पंप किया गया, मतलब पहले उनको ऊपर लेके गए और वहां पर उनको रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद भी वहां पर उनको डंप कर दिया गया। बट रिलायंस में क्या देखा गया कि रिलायंस ऑलरेडी 2750 तक गया, बट निफ्टी वहां से करेक्ट हुआ तो रिलायंस भी 3-4% तक करेक्ट हो चुका है। तो यही चीज को हमें अपने माइंड में रखनी पड़ेगी कि रिजल्ट आने से पहले वो करेक्ट हो गया। अब कैसा रिएक्ट होता है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मेरा व्यू क्या है। मेक श्योर पूरे एंड तक देखें, लेट्स फोकस ऑन क्वार्टर टू रिजल्ट। क्वार्टर टू के रिजल्ट मैं रीड करूंगा जो आपके स्क्रीन पे भी अभी आ जाएंगे। ठीक है, ईयर ऑन ईयर हमें रिलायंस में जो ग्रोथ देखने मिली है वो 43% की देखने मिली है, जो बहुत ही काफी अच्छी है। राइट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11.4% से बढ़कर 13,680 करोड़ का प्रॉफिट देखा गया है। अगेन अ वेरी गुड साइन। राइट, उसके जो रिलायंस का जो बिजनेस है फ्रॉम अदर ऑपरेशन, जो O2C बिजनेस है उसका, रिटेल है एंड जियो है, वहां से उसको 1.74 लाख करोड़ का प्रॉफिट हमें यहां पर देखने मिला है। राइट, ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसकी जो रिवेन्यू ग्रोथ है वो कितनी देखी गई है, 20.6% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिवेन्यू ग्रोथ देखी गई है। तो अगेन अ वेरी गुड साइन। अब इसके बिजनेसेस में देख लेते हैं कि जो इसके अदर बिजनेस है उसमें कैसा देखा गया। O2C बिजनेस से इसका आया है 1.2 लाख करोड़ का। ठीक है, रिलायंस जियो से इसको जो ईयर ऑन ईयर 23.5% की ग्रोथ से बढ़कर हमें 3,728 करोड़ का प्रॉफिट यहां पर देखने मिला है। अगेन बहुत अच्छा है। एंड इसका जो आरपू रहता है, आरपू मींस एवरेज रिवेन्यू पर यूजर, मतलब जियो अपने पर यूजर से पर मंथ में अराउंड 143 रुपीस कमा रहा है। मतलब अगर उसके पास 50 मिलियन सब्सक्राइबर हैं जियो के, तो वो पर यूजर 143 कमा रहा है। ये आप एक एज अ नोट करके रख सकते हैं कि आरपू क्या होता है। रिलायंस रिटेल से इसका जो प्रॉफिट है वो 45,450 करोड़ का देखने मिला है। अगेन अ वेरी गुड। बट यहां पर अगर ओवरऑल रिलायंस का रिजल्ट देखा जाए तो कैसा है, EBITDA पे ऑल टिक, मतलब बहुत अच्छा है, नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा है, ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो यहां पर क्या है कि सब लोग बहुत बुलिश हैं, बट मैं जो एडवाइस दूंगा कि यहां पर अपना पैसा ऑल इन ना करें रिलायंस में। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई पे है। जब भी कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे होता है तो उसमें अपना पैसा वो भी रिजल्ट के बाद लगाना थोड़ा सेफ नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यही मैं आपको यहां पर एडवाइस दूंगा कि अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ, अगर 100 शेयर खरीदने हैं तो सिर्फ और सिर्फ 20 शेयर्स खरीदें एंड बाकी करेक्शन में आप इसको खरीद सकते हैं। बट अपना पैसा इस रिजल्ट पे, अभी ब्रोकरेज रिपोर्ट आएगी कि काफी अच्छा रिजल्ट आया है, बाय करो, 3000 के भी आएंगे, 3500 के आएंगे। बट एक चीज यहां पर है कि वो कल के कल 3000 या इन अ मंथ, इन अ टू मंथ्स नहीं होने वाला 3000 या 3500, हो भी सकता है। बट उसको, इतनी बड़ी कंपनी है रिलायंस जिसका स्टॉक मूव करने में काफी टाइम लगता है, ठीक है, तो करेक्शन पे बाय करें, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। राइट, और अगर आपको अभी बाय करना है तो आप सिर्फ, अगर 100 शेयर्स बाय करने हैं तो 10-20 शेयर्स आप इस पर्टिकुलर टाइम पे बाय कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। इधर मैंने अपना व्यू रखा, आप अपना व्यू रखिए अपने कमेंट बॉक्स पे। राइट, एंड अगर डायरेक्ट 1-on-1 जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ लाइव ट्रेड, तो मेरा नीचे टेलीग्राम पे नीचे लिंक दिया गया है, वहां पे आके मुझे आप कोई सा भी डाउट 1-on-1 पूछ सकते हैं। और स्टॉक मार्केट कोर्स सीखना चाहते हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी ओपन होने वाले हैं। तो
ये चीज पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ मैं आपका विकास सिंह, इक्विटी एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट, मैं यहां से अलविदा लेता हूं।